भाइयों, अगर खाने बनाने की बात हो और इस चीज का जिक्र ना हो तो बहुत अधूरा सा लगता है। आज मैं आपको लेकर आया हूँ ऐसे ही एक मेगा फैक्ट्री में, जहाँ पे बनाया जा रहा है कमाल का प्रोडक्ट। और इसे बनाने का प्रोसेस इतना शानदार होता है कि आप देखते रह जाएंगे। आइए तो अंदर चलते हैं, करते हैं भैया जी से बातचीत। अंकल नमस्ते। नमस्कार जी। अंकल जी अपना नाम बता दो। तरुण जैन जी। और यहाँ पे अंकल जी क्या काम होता है? हम यहाँ एल्यूमिनियम के बर्तन बनाते हैं जी, जैसे ये पतीली, केतली, कढ़ाई। किस तरीके से बनते हैं आप हमें स्टार्टिंग से बताएंगे? हम आपको दिखा देता हूँ, मौके पे ले जाके दिखा देता हूँ आपको। जी चलेगा, आप हमें स्टार्टिंग से बताइएगा। रॉ मटेरियल आपका किस फॉर्म में आता है? ये शीट आती है। ठीक है, इससे हम पतीली बनाएंगे। तो यहाँ पर गोल एल्यूमिनियम की चादर आने के बाद काम शुरू होता है इस मशीन के ऊपर। ये भाई साहब इन चादरों को उठाकर इस मशीन के ऊपर सेट करते हैं, फिर इस गोल चक्कर को घुमाकर इस मशीन को सेट किया जाता है। फिर ये गोल डंडे की तरह अपनी टूल्स को उठाकर इस मशीन पर काम करना शुरू करते हैं। और ये काम ऐसे करते हैं मानो कोई ऑटोमेटिक मशीन काम कर रही हो। इनके हाथ लगातार आगे पीछे ऐसे ही होते रहते हैं। बेसिकली यहाँ पर इस चादर को एक बर्तन की शेप देने की कोशिश की जा रही है, और उसमें जो बेहतरीन काम निभा रहे हैं ये सुराग, क्योंकि ये मशीन ही इन्होंने अपने हाथों से अपने हिसाब से डिजाइन की हुई है। क्योंकि जिस भी हिसाब से इनको एक बर्तन बनाना होता है उसी हिसाब से सुराग का इस्तेमाल किया जाता है। अपने टूल्स को निकालकर एक सुराग से दूसरे सुराग में सेट करते हैं और ये लगातार काम ऐसे ही चलता रहता है। और इन भाई साहब ने बातों ही बातों में यहाँ पर इस चादर को एक बर्तन की शेप देती है, जो कि दिखने में एक आधे कटोरे की तरह लगता है। अब इस कटोरे को उठाकर लेकर जाया जाएगा अगली मशीन के ऊपर, जहां पर इसको पतीली बनाया जाएगा। लेकिन उसके लिए एक स्पेशल तरह की डाई का इस्तेमाल करते हैं। यूजुअली डाई होती है बिल्कुल एक ही आकार की, लेकिन यहाँ पर छोटे छोटे टुकड़ों का इस्तेमाल करके एक डाई बनाई जाती है। फिर उसके ऊपर इस कटोरे को सेट किया जाता है, फिर उसके बाद इसमें काम शुरू होता है। यहाँ पे देख सकते हैं भैया ने यहाँ पे काम शुरू कर दिया है। चलिएगा। अच्छा, ये भी यहाँ पर इसको आगे ही चलाती रहेगी जैसे उधर की साइड हो रहा है। यहाँ पर हमारे जो चाचा जो है वो कितना बढ़िया अमेजिंग तरीके से यहाँ पे इस काम को कर रहे हैं। अच्छा जी, जैसे ये वेस्टेज है इसका कुछ काम होता है? रीमेल्टिंग के लिए चली जाती है। अच्छा, रिसाइकिल हो जाता है ये दोबारा। और शेप आने के बाद ये इस तरीके से कुछ दिखता है। ठीक है, तो इसके बाद इसमें क्या होगा? इस पर जो है पॉलिश होगी, वॉशिंग होगी। जी जरा दिखाइएगा। आप कब से कर रहे हैं अंकल जी इस काम को? हम कर रहे हैं जी इसे 30-32 साल से कर रहे हैं यहाँ पे। अभी से हम वॉशिंग के लिए यहाँ पर लेकर के जा रहे हैं। जो इसमें कालस है वो हटाई जाएगी यहाँ से। ये जो है वॉशिंग हो रही है इस पर। ठीक है, ये दो पानी में से निकल के जो है ये सुखा दी जाएगी, और इसके बाद जो है ये अपने रेडी हो गई है। सूखने में कितना टाइम लगता है? 5-7 मिनट, 10 मिनट। 5-10 मिनट। और अगर इसके रेट की बात करें तो क्या होगा इसका? आज 300 रुपए किलो है। 300। आपका होल सेल भी यही होता है? हाँ जी। अभी ये पैकिंग तैयारी हो रही है जी, स्टीकर लगेगा, उसके बाद ये बोरों में पैक होके। तो ये आपका फर्म का नाम ही होगा ये? हाँ जी, अरियन। और यहाँ पर भैया की फर्म का यहाँ पे नाम लगाया जा रहा है, ये जो आप चिट यहाँ पे देख रहे हैं। अगर ये किस किस साइज की होती है आपके पास? ये काफी साइज है जी हमारे पास, 10 इंची से चालू करते हैं, 28 इंची तक बनाते हैं जी। हमारे व्यूअर भाई को आपसे लेना हो तो कहाँ आके आपसे संपर्क कर सकता है? हमारी जो है ये ईदगाह रेलवे रोड पे फैक्ट्री है जी, मनसबिया कॉलोनी में जी। और अपना फोन नंबर बता दीजिएगा। 9837300912 जी। तो दोस्तों, अगर आपको अंकल जी से संपर्क करना है, अंकल जी ने अपना नंबर हमारे को बताया है। अगर आप में से किसी को ये ऑर्डर लगाना है तो अंकल जी के बताए हुए पते पर फोन नंबर पर आप कॉन्टेक्ट करके इनसे ऑर्डर लगा सकते हैं। अगर आपको वीडियो ये पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करके हमारे को जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। धन्यवाद।